गोरखपुर में बृहस्पतिवार को 24 घंटे के अंदर मात्र 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 20,419 पहुंच गया। इनमें से 20,975 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 359 हो गई है। वह जिले में एक्टिव केस की संख्या 85 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की है। बृहस्पतिवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो कोतवाली, शाहपुर और रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में एक एक मरीज मिला है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के चरगावा, पिपरौली और बासगांव में एक एक और भटहट में 4 मरीज मिला है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने करते हुए बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है, इसलिए लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को लग नहीं जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।